प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल असम के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। और आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं, आपके नोट्स सीरीज चल रहे थे अपने यूट्यूब पर, आप देख रहे होंगे प्रॉपर आपको नोट्स डाले जा रहे हैं। इसकी क्लासेस आपको यहाँ पर ऑफलाइन मिल जाएंगे, लेकिन नोट्स आप यहीं से बनाना है, क्योंकि नोट्स बनाने में आपको सुविधा मिलेगी। और ये इंग्लिश मीडियम का नोट्स है, तो बिल्कुल इसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया है। और कहीं ना कहीं आपको अब समय आ गया प्यारे जी, कि अब मैं देख रहा हूँ बच्चों के पास थोड़ा सा आपको अब डेडिकेट हो जाना चाहिए, थोड़ा सा आप आराम से पढ़िए, क्योंकि समय आपका धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ कि आप नहीं पढ़ सकते, आराम से पढ़ना है, थोड़े थोड़े मेहनत करने हैं। अब पिछले चैप्टर को भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन में थोड़ा देखिए कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन आपके लड़ेगा, सब्जेक्टिव में जितने क्वेश्चन पूछेगा उसको आप पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, बस काम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पूरे टॉपिक तो रिवीजन करना ही पड़ेगा कि कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये किसी को नहीं पता होता है। तो ये नोट्स शुरू हो रहा है, आप इसको नोट्स बना लेंगे जल्दी से, अच्छा सा सुंदर सा नोट्स बनाइएगा और रिवीजन खूब कीजिए। ये फ्राइडे और लेंस का नियम आपके परीक्षा सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लेंस का नियम आपने तो भाई कम से कम फ्राइडे वाला तो अपने क्लास टेंथ में देखा होगा, लेकिन यहाँ पर डिटेल में है और ज़्यादा खूब क्वेश्चन लेंस के नियम से और फ्राइडे के नियम से पेपर में तो मुझे हर बार दिखे हैं क्वेश्चन यहाँ से।
इस तरह से चैप्टर का आपका नोट्स कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आप क्या आएंगे, इसके आपका जो सप्तम चैप्टर होगा अल्टरनेटिव करंट के बारे में, इसका नोट्स रेडी हो रहा है। तब तक आप इसके नोट्स बनाएं, रिवीजन करें और खूब अच्छे स्कोर की तरफ आपको जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस बार अच्छे स्कोर लाएंगे और जम के मेहनत करना है। बिल्कुल इसमें थोड़ा तो करना पड़ेगा, क्लास 10 से कहीं ना कहीं आपको इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। थैंक यू।